अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं हूँ टाइसन और आप देख रहे हैं टाइसन गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो मैंने एक ब्रांड न्यू वीडियो, आज की वीडियो में कम्पेटिटिव से रिलेटेड मेरे पास बहुत सी न्यूज़ है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले जिसे मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कांडी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओनली 18 सब्सक्राइबर्स रह गया 4K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में। इंशाल्लाह आपको 9 बजे लाइव स्ट्रीम होगी, तो ज़रूर आना आप सब। आज की सबसे पहले हमारे पास न्यूज़ है टीम नेगेटिव्स के बारे में। टीम नेगेटिव्स, बहुत लोगों को टीम नेगेटिव्स का पता होगा, जो कि पीएमएनसी से क्वालिफाई होकर पीएमपीएल में आई थी इस सीज़न, और उन्होंने अब पीएमपीएल फाल का अपना रोस्टर अनाउंस कर दिया, जो कि पीएमपीएल फाल में उनको रेड डेट स्पोर्ट्स वालों के साथ कोलैब करके उनको एक्वायर कर लिया गया, जिसकी वजह से पीएमपीएल फाल में टीम नेगेटिव्स रेड डेट स्पोर्ट्स के नेम से खेलेगी। और उसके साथ नेक्स्ट आपको मैं बताता चलूँगा, टीम टीजी ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगाई थी के वो टीम टीजी में 2 प्लेयर्स ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने दोनों प्लेयर्स को ऐड कर लिया है। एक आपके सामने रहने वाला नाइट जो के वो रूल ब्रेकर्स का प्लेयर था, और साथ में दूसरा प्लेयर रहने वाला है डिस्ट्रॉय, जो कि टीम स्टार का डिस्ट्रॉय था। टीम स्टार तो डिसबैंड हो गई थी, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय अब टीजी में खेलेगा और नाइट भी अब टीजी में ही खेलेगा। तो आपके क्या ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब नेक्स्ट वीडियो हमारे पास रहने वाली है 3XO स्टार ई स्पोर्ट की। आप सबको पता कर रिसेंट मैचेस में जब बूट कैंप में फाइट्स हुई थी, दोनों फाइट्स में जब बूट कैंप में फाइट हुई थी, पिछले डे 1 में भी 3X इलिमिनेट हो गई थी और डे 2 में भी 3X इलिमिनेट हो गई थी, जिसकी वजह से स्टारवे स्पोर्ट ने उनको पोक करने के लिए एज अ मीम सिर्फ उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे मीम शेयर की, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। What are you doing? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अब बात करते हैं पीएमपीएल साउथ एशिया के बारे में। आप सबको तो पीएमपीएल साउथ एशिया का डे 2 खत्म हो गया, उसके रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। टॉप 5 में कोई पाकिस्तान टीम नहीं है, बल्कि टॉप 9 में अगोन XI8 आपको देखने को मिल जाएगी, टॉप 12 में QR, 13th नंबर पे 7th Element, 15th पे 52, 16th पे MGS, 17 पे टफ, 18 पे 3X और 20 पे R3G आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि कि कौन सी टीम 16 टीमें फाइनल्स में जाएगी और उनको एक अच्छा मुकाबला देके एक चैंपियंस आपको देखने को मिलेगा? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि बॉटम 4 में कौन कौन सी टीम एलिमिनेट होगी, लीग स्टेज के अंदर कौन से टॉप 16 टीम्स क्वालिफाई होंगी ग्रुप फाइनल स्टेज के लिए। तो ये तो वैसे लीग स्टेज ये इतना मैटर नहीं करता, इसके लिए अंदर सिर्फ आप लोगों ने क्वालिफाई होना होता है, असल मेन टास्क आता है ग्रैंड फाइनल्स का, मीन्स कि ग्रैंड फाइनल में जब 16 टीमें कम्पीट करेंगी वहां से चैंपियन निकल के आना है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, कर देना चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।